स्टडी आई क्यू आईएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल रोमन्स इन इंडिया रोमन एम्पायर एंड एंशंट इंडिया वेलकम टू स्टडी आई क्यू आईएस मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही इंडिया के दूसरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशन बने हुए हैं ये इन हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन्स का ही नतीजा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कभी आइसोलेटेड नहीं रहा और ट्रेड से शुरू हुए ये रिलेशंस समय के साथ कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस में भी तब्दील हुए एंशेंट इंडिया का ऐसा ही एक गहरा संबंध रोमन एम्पायर से भी था जो शुरू तो ट्रेड की वजह से ही हुआ था लेकिन आगे चलकर दोनों सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी जी हां दोस्तों वही रोमन एम्पायर जिसने आगे चलकर वेस्टर्न वर्ल्ड के हर फील्ड पर अपना प्रभाव डाला चाहे वो साइंस हो या फिलॉसफी लैंग्वेज हो या फिर कल्चरल वैल्यूज यहां तक कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर लॉ ही क्यों ना हो वेस्टर्न वर्ल्ड और खासतौर पर यूरोप की आज की जड़ें कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर तक पहुंच ही जाती हैं यहां तक कि यूरोप में फोर्टींथ और फिफ्टींथ सेंचुरी के दरमियान शुरू हुआ रिनेसॉन्स या पुनर्जागरण काल भी रोमन पीरियड के आइडियाज और टेक्स्ट से ही इंस्पायर्ड था ऐसे में हमारे लिए ये समझना अहम हो जाता है कि दुनिया की इन दो सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं का आखिर आपस में क्या संबंध था तो दोस्तों आइए आज हम एंशियंट इंडिया और रोमन एम्पायर के इसी संबंध को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन दोस्तों इंडिया में हुए डिफरेंट एक्सकवेशंस के दौरान सेकेंड सेंचुरी बीसीई के भी ग्रीको रोमन कॉइन्स देखने को मिले हैं लेकिन उस दौरान यह ट्रेड बहुत छोटी स्केल पर सड़क मार्ग से या इजिप्ट के थ्रू ही हुआ करता था क्योंकि वो इजिप्शियन एम्पायर ही था जिसने 118 हंड्रेड एंड एटीन बी सी में टोलोमी दासनकाल में सबसे पहले मॉनसून विंड्स की मदद से इंडिया पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लिया था इसके अलावा मिडल ईस्ट में इजिप्शियन एम्पायर की स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग की वजह से इन एंशियंट यूरोपियन स्टेट्स का इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन ना के बराबर था लेकिन थर्टी वन बी में फर्स्ट रोमन एम्प्रायर सीजर ऑगस्टस के गद्दी पर बैठने और 27 सेवन बी में रोमन एम्पायर स्टैब्लिश करने के बाद ये परिस्थितियां तेजी से बदलने लगीं और खासतौर पर इसी दौरान रोमन एम्पायर द्वारा इजिप्ट को अपने अधीन करने के साथ ही इंडिया और रोमन एम्पायर के लार्ज स्केल ट्रेड की नींव भी पड़ गई क्योंकि अब इंडिया से होने वाले ल्यूक्रेटिव ट्रेड पर रोमन एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था इस बढ़ते हुए व्यापार के बारे में हमें एंशियंट ग्रीक जियोग्राफर फिलोसोफर और हिस्टोरियन स्ट्राबो की किताब द जियोग्राफी ऑफ स्ट्राबो से पता चलता है जिसमें वो बताते हैं कि ऑगस्टस द्वारा इजिप्ट को अपने अधीन लेने के बाद से ही लगभग 120 शिप्स हर साल रेड सी के एंशियंट पोर्ट म्यू हॉर्मोस से मॉडर्न डे इंडिया के लिए सेल कर रहे थे इस न्यूली एस्टैब्लिश्ड रोमन एम्पायर के लिए इंडिया से ट्रेड के महत्व का पता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑगस्टस ने रेड सी में पोर्ट्स के डेवलपमेंट और यहां से नायल रिवर के थ्रू पेलूसियम और एलेक्जेंड्रिया तक माल पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध भी करवाए थे ताकि इसमें कोई दिक्कत न हो साथ ही उसने टोलमी की पेट्रोल फ्लीट को हटाकर अपनी खुद की ऑर्गेनाइज फ्लीट भी यहां अपॉइंट की थी जिससे पायरेसी को रोका जा सके कहा जाता है कि इसी बढ़ते हुए ट्रेड के चलते 26 से 20 बीसीई के बीच कुछ इंडियन किंग्स ने अपनी एम्बेसीज भी रोमन एम्पायर भेजे थे और ये एम्बेसीज अपने साथ टाइगर्स एलिफ़ेंट्स जैसे बहुत से एनिमल्स भी गिफ्ट के रूप में रोम लेकर गए थे इनमें से कई स्पीशीज से तो रोमन्स और ग्रीक्स पूरी तरह अनजान थे वहीं फर्स्ट सेंचुरी के बाद जैसे जैसे इंडिया में कुषाण एम्पायर का फैलाव बढ़ा सड़क मार्ग द्वारा होने वाले इंडो रोमन ट्रेड में भी बढ़ोतरी हुई क्योंकि अब ओवरलैंड कैराव को इंडिया एक्सेस करने में आसानी हो गई थी लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि इनके बीच ट्रेड आखिर किस चीज का हो रहा था आइए जानते हैं वॉट दे ट्रेडिंग दोस्तों अगर हम उस दौरान के इंडो रोमन ट्रेड को देखें तो इसका बैलेंस शुरुआत से ही इंडिया के फेवर में झुका हुआ था जिसके चलते इंडिया में रोमन गोल्ड और क्वाइंस की बहुत आमद होती थी इसके बारे में हमें गायस प्लीनियस सेकुंडस जिसे प्लीनी दी एल्डर के नाम से भी जाना जाता है के रिटर्न अकाउंट से पता चलता है इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट और इकोलॉजिकल जोन्स की वजह से यहां बहुत से ऐसे स्पाइसेस और फूड ग्रेन्स पैदा किए जाते थे जो रोमन एम्पायर के टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में नहीं होते थे ऐसे में इन इंडियन स्पाइसेस स्पेशली पेपर और ग्रेन्स की रोमन एम्पायर में भारी मांग थी इसके अलावा इंडिया से कॉटन पर्ल आइवरी और दूसरे लग्जरी आइटम्स भी रोमन एम्पायर को एक्सपोर्ट किए जाते थे यही कारण है कि एक्सकेविशंस के दौरान ऑगस्टस और फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में रोम पर शासन करने वाले दूसरे एम्परर्स के गोल्ड क्वाइंस पूरे इंडियन पेनिंसुला में देखने को मिलते हैं वहीं अगर हम पेरीप्लस ऑफ दी एरीथ्रियन सी की माने तो ग्रेको रोमन मर्चेंट्स इंडिया में थिन क्लोदिंग रेड कोरल्स टोपैज फ्रैंकिसन्स ग्लास के वेसल्स सिल्वर एंड गोल्ड की प्लेट्स और वाइन बेचा करते थे लेकिन दोस्तों एंशियंट इंडिया और रोमन एम्पायर के रिश्ते केवल ट्रेड तक ही सीमित नहीं थे बल्कि समय के साथ साथ ये डायमेंशनल हो गए थे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं दोनों के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस की इंडो रोमन पॉलिटिकल रिलेशंस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एंशियट ग्रेको रोमन हिस्टोरियंस द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि ऑगस्टस के रूल के दौरान बहुत से इंडियन रूलर्स ने अपनी एम्बेसीज या डिप्लोमैटिक मिशन रोमन कोर्ट में भेजे थे इन एम्बेसीज में से चार का जिक्र ज्यादातर लैटिन हिस्टोरिकल लिटरेचर्स में देखने को मिलता है एम्बेसीज भेजने वाला पहला प्रमुख राज्य था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में झेलम और ब्यास नदी के बीच स्थापित पूर्व देश यहां से गया डिप्लोमैटिक ग्रुप अपने साथ एग्जॉटिक इंडियन बर्ड मोनाल सर्पेंट्स टाइगर और ग्रीक भाषा में लिखे लेटर्स रोमन कोर्ट के लिए उपहार स्वरूप लेकर आए इस कड़ी में दूसरा राज्य ब्रोच या भरूच था जिसकी एम्बेसीज के साथ जर्मानोज नाम के एक बुद्धिस्ट मंक भी रोमन कोर्ट जाते हैं इसी तरह का एक डिप्लोमैटिक मिशन साउथ के चेरा राज्य से भी गया था जिसने रोम जाकर यह सूचना दी कि मुजीरीज में ऑगस्टस के ऑनर में एक मंदिर का निर्माण कराया गया है वहीं चेराज के ही पड़ोसी राज्य पांड्या किंगडम से भी एक एम्बेसी रोमन कोर्ट में गया था जो अपने साथ प्रेशर स्टोन्स पर्ल्स और एक एलिफेंट भी ले गया था दोस्तों अगर हम डिप्लोमैटिक रिलेशन्स के नजरिए से देखें तो सदर्न इंडिया के चेरा और पांड्या किंगडम रोमन एम्पायर के बहुत करीब थे इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि रोमन ट्रेड के लिए सबसे प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स भी इन्हीं किंगडम्स में सिचुएटेड थे जिनमें मुजीरीज कोरकई कावेरी और अरिकमेडू सबसे इंपॉर्टेंट है हालांकि इन पोर्ट्स के अलावा रोमन ट्रेड के लिए दो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स पोर्ट्स और भी थे पहला बारबेरिकम जो प्रेजेंट डे कराची में है और दूसरा बैरिगाज़ा जो आज गुजरात के भरूच में है इंडियन किंगडम्स द्वारा भेजे गए गिफ्ट्स को देखते हुए मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एम्बेसीज सिर्फ ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने के इरादे से नहीं भेजे गए थे बल्कि इनका मकसद इंडो रोमन पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करना था साथ ही कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस ये कयास भी लगाते हैं कि शायद इंडिया में अपने किंगडम्स के फैलाव को बढ़ाने में रोमन एम्पायर से मदद की अपेक्षा रखते हुए ये एम्बेसीज रोम भेजे गए थे लेकिन इस बारे में कोई भी लिखित प्रमाण देखने को नहीं मिलता रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच बढ़ रहे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का असर आगे जाकर इनकी संस्कृति पर भी देखने को मिला आइए हम इस बारे में भी ज़रा करीब से जानने की कोशिश करते हैं कल्चरल एक्सचेंज एंड रोमन सेटलमेंट्स इन इंडिया अभी तक मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर ये साफ कहा जा सकता है कि लंबे दौर तक चले इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस का असर इन दोनों देशों के कल्चर पर भी देखने को मिला ये कल्चरल एक्सचेंज का ही नतीजा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार धन और वैभव की देवी मानी जाने वाली देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति 1938 में इटली की एक एंशियंट सिटी पॉम्पे में एक्सकेबिशंस के दौरान मिलती है इस आर्टिफैक्ट को पॉम्पे लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और 25 सेंटीमीटर टॉल ये स्टैच्यू अब नेपल्स के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉम्पे 79 नाइन एडी में ही माउंट विस्यूवियस के इरप्शन की वजह से जमींदोज हो गया था इससे ये बात साफ हो जाती है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के पहले ही इंडिया और रोमन एम्पायर का ये कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो चुका था इसी तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुरी में 1940s में हुए एक एक्सकेविशन के दौरान रोमन मान्यताओं के अनुसार समुद्र के देवता माने जाने वाले पोसाइडन की मूर्ति मिली जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कोल्हापुर पोसाइडन भी कहते हैं इन आर्टिफैक्ट्स के अलावा पुदुचेरी टाउन के आसपास स्थित अरिकमेडू और केरला का मुजीरीज इंपॉर्टेंट रोमन ट्रेड पोर्ट्स होने के साथ साथ रोमन सेटलमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं जहां एक्सकविशंस के दौरान बहुत से रोमन आर्टिफैक्ट्स और रोमन पॉटर स्कूल के एस्टैब्लिशमेंट के एविडेंसेस मिलते हैं साथ ही जैसा कि हमने पहले अपने वीडियो में बताया कि लिटररी एविडेंस ये बात एस्टैब्लिश करते हैं कि मुजीरीज में ग्रेट रोमन एम्पर ऑगस्टस का मंदिर भी बनवाया गया था इंडिया और रोमन एम्पायर के कल्चरल मिक्सिंग को प्रूव करने वाले इन वेल स्टैब्लिश्ड एविडेंस के अलावा कुछ डेरिवेटिव एविडेंस भी देखने को मिलते हैं जैसे कि रोमन्स ने साउथ इंडिया में बहुत से ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश किए थे जैसे मदुरई कावेरी और कोडुमनाल इन ट्रेड सेंटर्स और यहां रोमन ट्रेडर्स और वर्कर्स के इस्टैब्लिशमेंट से साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले स्कल्पचर्स जूल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी रोमन आर्ट की झलक देखने को मिलती है ये रोमन इन्फ्लुएंस आंध्र प्रदेश के अमरावती और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के टेम्पल्स में मिलने वाले स्कल्पचर्स में साफ देखा जा सकता है साथ ही फर्स्ट सेंचुरी एडी में कनिष्क की एम्प्ररशिप में डिवेलप हुए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में भी रोमन आर्ट का इफेक्ट साफ देखा जा सकता है हालांकि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीक आर्ट से ज्यादा प्रभावित हुई लेकिन इसमें रोमन आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन और टेक्निक्स जैसे वाइन स्क्रोल के अलावा स्कल्पचर्स में बुद्धा द्वारा पहनी गई ड्रेसेस रोमन गॉड्स के स्कल्पचर से प्रभावित दिखती हैं यही नहीं बिना किसी शंका के ये बात भी कही जा सकती है कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुना कोंडा में बना एम्फी थिएटर भी रोमन एम्फी से ही इंस्पायर्ड है साथ ही एंशियंट सदर्न स्टेट्स के कॉइन्स की मिंटिंग टेक्निक्स और उनके आर्ट मोटिव्स में भी रोमन इन्फ्लुएंस साफ देखा जा सकता है खासतौर पर अगर हम एंशियंट किंगडम्स जैसे चेराज पांड्यर्स सातवाहनर्ज़ और वेस्टर्न क्षत्रपर्स के कॉइन्स को स्टडी करें तो उन पर अंकित रॉयल पोर्ट्रेट्स रोमन कॉइन्स पर अंकित पोर्ट्रेट्स से हु मेल खाते हैं ऐसे में ये बात साफ़ हो जाती है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच गहरे कल्चरल रिलेशंस स्थापित हो चुके थे और साथ ही ये भी पता चलता है कि रोमन कल्चर का हमारी संस्कृति में कितना बड़ा योगदान है लेकिन इंडिया और रोमन एम्पायर के रिश्ते जितनी तेज़ी से गहरे हुए थे वैसे ही एक वक्त के बाद इनमें तेज़ी से कमी आनी भी शुरू हो गई इसके पीछे क्या कारण थे आइए देखते हैं हाउ द रिलेशनशिप डिक्लाइंड दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडो रोम के व्यापारिक रिश्तों में बैलेंस ऑफ ट्रेड शुरू से ही भारत की ओर बहुत ज़्यादा झुका हुआ था ऐसे में प्लीनी दी एल्डर के लिखे हुए कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि जब इंडो रोमन ट्रेड अपने चरम पर था तो उसके विरोध में कुछ आवाज़ें रोमन सेनेट में भी उठने लगी थी इनका कहना था कि इस ट्रेड रिलेशन को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है इसी को लेकर प्लीनी अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं कि ये इंडियन लग्जरी गुड्स की कैसी भूख है जो रोम अपनी पूरी दौलत लुटा के भी शांत नहीं कर पा रहा है हालांकि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के पहले ही रोमन एम्पायर अपने बिखराव की ओर बढ़ चला और इसी के साथ ही ये ट्रेड रिलेशंस भी पटरी से उतर गए रोमन एम्पायर के फिफ्थ रूलर नीरो क्लाउडियस सीजर ऑगस्टस जर्मैनिकस का शासन खत्म होते होते रोमन एम्पायर में सिविल वॉर शुरू हो गया और साथ ही उसे कमजोर होता देख रोम की बाहरी सरहदों पर भी हमले होने लगे इसके बाद से ही रोमन एम्पायर बिखरता चला गया ऐसे में साम्राज्य को फिर से सशक्त करने के उद्देश्य से रोमन एम्पायर ने इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए जिसके तहत इंडियन गुड्स पर भी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए इन सब के चलते धीरे धीरे इंडो रोमन ट्रेड भी कम से कम तर होता चला गया कंक्लूजन तो दोस्तों यहां हमने जाना कि किस तरह एंशियंट इंडिया और रोमन एम्पायर के रिलेशन जो ट्रेड के जरिए शुरू हुआ था आगे चलकर पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस में इवॉल्व हुआ इसी बात को प्रमुखता से रखते हुए इटालियन एम्बेसी के कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर एन्द्रे बोल्डी ने 2018 में दिए अपने एक वक्तव्य में कहा कि इटली के अलावा इंडिया ही वो इकलौता देश है जहां एंशियंट रोमन एम्पायर के बीते हुए कल का वैभव यहां मौजूद 2000 साल पुराने रोमन सेटलमेंट्स में देखने को मिलता है यदि हम उनकी कही हुई इस बात के बारे में गौर से सोचें तो एंशियंट इंडिया और रोमन एम्पायर का ये संबंध वाकई में अनूठा है स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल